हेलो गाइस, हाय। मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ बिगर ऑयल का मसाला मैगी विद ऑनियन विद मसालास विद टेस्टी टेस्टी चिली सॉसेस। ओके, तो अभी फर्स्ट मैंने ये एक ग्लास वाटर लिया है, ये एक पूरा ग्लास वाटर लिया है। और मैं कौन से ब्रांड का मैगी यूज़ कर रही हूँ, ये टॉप रेमन। ओके, ये ब्रांड है, देख लीजिए आप लोग। एंड देन मैंने एक मैगी का पीस ले लिया है। तो अभी मैंने इसमें सिर्फ पानी डाला एक ग्लास और एक ऑनियन, जिसको मैंने छील के एक ऑनियन को कट करके, जैसा भुर्जी के लिए कांदा यूज़ करते हैं ना, वैसे ही सेम एक ऑनियन को हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, सो गाइस, तो एक बॉईल आने देंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बॉईल आ चुका है, तो फर्स्ट इसमें मैं डालूंगी ग्रीन चिल्ली सॉस। तो इसको मैं वन स्पून जितना डालूंगी, मुझे अंदाज़ा है, तो मैं डायरेक्ट बॉटल से डाल रही हूँ, बिकॉज मैं शूटिंग भी कर रही हूँ, तो साथ साथ में मुझे स्पून पकड़ने होगा नहीं। एंड सेम रेड चिल्ली सॉस भी मैं सेम क्वांटिटी में डालूंगी, वन स्पून, क्योंकि मेरे को कैसा मसाला पसंद है और फैटनेस भी नहीं चाहिए। तो ऑयल नहीं ऐड कर रहे तो क्या हुआ, हम ये सारी चीज़ें ऐड करके उसको स्पाइसी बना सकते हैं। एंड देन मैं डाल रही हूँ ब्लैक सोया सॉस। ठीक है, ये डार्क वाला सोया सॉस है, तो इसको भी मैं हाफ स्पून डालूंगी, इसको मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, बिकॉज तो इसका मेरे को अंदाज़ा है, इसमें से बूंद बूंद ही जैसा डिप डिप गिरता है, तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। आपको देख रहे कलर कितना चेंज हो गया, बिकॉज ये डार्क सोया सॉस था। तो अभी मैंने इतना ये स्टेज तक अगर हम कर ले तो उसको वापस से बॉयल आने देंगे। ठीक है, यस गाइस, तो जो ब्रांड का मैंने मैगी लिया था उसी ब्रांड के साथ ये पाउच आता है, सॉरी थोड़ा फंबल हो गया, ये मैगी के साथ मुझे ये पाउच भी आया, मसाला पाउच बोलते हैं इसको। तो ये मैं पूरा इसमें डाल दूँगी, देख रहे हैं आप, मैंने इसमें पूरा डाल दिया, राइट। तो अब इसको मैं अच्छे से स्पून से सारे इसको मिक्स कर दूँगी। ठीक है, सो ओके गाइस, अभी इसमें अच्छा सा बॉयल आ चुका है, तो इसमें मैं एक लास्ट चीज़ ऐड करूँगी, जो आप लोग स्किप कर सकते हो एज यू विश, शेजवान चटनी। आपको अगर स्किप करना है तो ये बॉटल पे मत जाओ, ये न्यूट्रेला की बॉटल है, बट मैंने इसमें शेजवान चटनी पूरा भर के रखा है। ठीक है, तो अगर आप लोग को नहीं डालना ये स्टेज में, आप लोग डायरेक्ट मैगी डाल सकते हो। अगर अदरवाइज आपको शेजवान चटनी से एक अच्छा खासा तेज फ्लेवर आ जाता है, दैट्स वाई मैं इसमें शेजवान चटनी एक स्पून ज़रूर डालूंगी। आप लोग इस चीज़ को स्किप कर सकते हो। सो गाइस, देखिए मैं अब इसमें ऐड करने जा रही हूँ शेजवान चटनी, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है, अब इसको अच्छे से वापस से मिक्स करेंगे। ठीक है, पूरे अच्छे से जितने स्पाइसी हम इसमें डाले हैं, स्पाइसी मसाले डाले हैं, जो भी चिल्ली सॉसेस डाला है, मसाला डाला है शेजवान चटनी, उसको अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। फिर एक बॉईल आने देंगे, एंड देन फिर इसमें जो ये मैगी है इसको मैं अभी पूरा तोड़ लूँगी, इसको मैं अभी इसको, क्योंकि मुझे लंबा लंबा बस जैसा ज़्यादा मैगी नहीं पसंद आता है, मैं इसको पूरा अभी तोड़ लूँगी एंड देन फिर इसमें मैं ऐड करूँगी। सो गाइस, मैंने अभी ये सारा इसको मैगी को, जो मैगी का बड़ा सा वो क्यूब था, उसको मैंने तोड़ लिया है, इतने बड़े बड़े पीसेस करूँगी। एंड देन अभी इसमें अच्छा खासा बॉईल आ चुका है, तो मैं इसमें अभी डाल दूँगी। ठीक है, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें पूरा मैगी ऐड कर दी हूँ। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे, और ये अच्छा खासा बड़ा क्यूब था, इसमें एक बाउल पूरा फुल बन जाता है, क्योंकि मैं ये मैगी का बड़ा पैकेट मंगाती हूँ, तो इसमें क्यूब्स भी बड़े बड़े होते हैं। मैं 2 मिनट्स मैगी वाला भी उसका भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, उसका भी बनाकर मैं आप लोगों को इन डिटेल में बताऊंगी। मैंने सोचा थोड़ा दूसरे ब्रांड का यूज़ करके देखते हैं कैसा होगा टेस्ट में भी, हमारी ऑडियंस को बताते हैं, दैट्स वाई मैंने ये डाला है। ठीक है, तभी अच्छे से ये बॉयल हो चुका है, देखो आप लोग, अभी थोड़े टाइम के बाद मिलते हैं जब ये इसको अच्छे से सॉक कर लेगा, अच्छे से ये अपने आप को पानी को सुखा लेगा, देन हम मिलते हैं। ओके गाइस, सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि अच्छे से पानी अभी सूख रहा है मैगी का, और मैं इसी में अभी देख सकता, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये
रेडी हो रहा है, राइट। और थोड़ा सा मैं जूसी ही रखने वाली हूँ, ज़्यादा इसको मैं वो नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तभी हम इसको प्लेटिंग, इसका प्लेटिंग कर लेंगे। देन प्लेटिंग भी मैं आप लोगों के सामने ही करूँगी। देखिए कितना जूसी है, एंड ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, सीरियसली। तो ये मेरे को जूसी पसंद है, दैट्स व्हाई, क्योंकि इसका जो ये होता है ना जूस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा मैं पानी एक्स्ट्रा डालती हूँ, ताकि मेरा जो है मैगी वो जूसी रेडी हो, जूसी बने। सो गाइस, तो देखिए ये है मेरा छोटा सा फ्लावर पॉट, नकली है ये, असली नहीं है, ऑब्वियसली वो दिख रहा भी होगा आप लोगों को। तभी मैं अपना मैगी दिखाती हूँ, मसाले वाला। इसमें वो ये मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी। अगर आप मेरे वे में बनाते हो तो आप ऑयल बिल्कुल मत यूज़ करो, बिकॉज ऑलरेडी ये इसमें बहुत ज़्यादा फैट है, तो ऑयल यूज़ करने से उसका थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। तो विदाउट ऑयल मसालेदार मैगी कैसे बनाना है, तो इसमें ये रेसिपी मैंने पूरा बताया है, आप लोग देखो एंड कमेंट करो। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग, फर्स्ट कुकिंग व्लॉग, सॉरी, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम शूट किया है, तो थोड़ा मैं बहुत थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही थी, सो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करो एंड मुझे अप्रिशिएट करो एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो गाइस, मैं अभी अपना इंजॉय कर रही हूँ मैगी, और आप लोग देखना चाहते हो कि क्या टाइम हो रहा है जब मैंने ये शूट किया है, ये देखिए टाइम, इट्स ऑलरेडी 4:35। मुझे आदत है रात में ऐसा स्नैक, कुछ भी स्नैक टाइप कुछ भी खाने की, तो मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट कुकिंग का वीडियो भी बना लेती हूँ, एंड देन आप लोगों से मैं शेयर भी करती हूँ। और ये मैंने अभी एक टेस्ट किया, इट्स मैं आपको बताती हूँ, इट्स सो यमी, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। आप लोग देख सकते हो कि कितना मैंने इसको, जितने स्पाइसेस डाले हैं, चिल्ली सॉसेस वगैरह डाले हैं, एक नंबर टेस्ट आया है, एक नंबर। सो लाइक गुड, तो प्लीज़ ट्राई करिए एंड कमेंट करिए, फिर मैं और भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आ जाइए खाने के लिए मेरे साथ, ये आप लोगों के लिए।